जब से JKPSI के अंदर घोटाला हुआ, जिस तरीके से रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आया, CBI प्रोब उसमें हुआ, उसके बाद से लगातार कार्यशैली जो है JKPSI उस पर कई बार सवाल खड़े हुए। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से जो न्यू रिक्रूटमेंट करवाई जानी है और उसमें लेकर एजेंसी जो उसमें रिक्रूटमेंट करवाई जाएंगी उसको लेकर एक बार फिर से जो है जो विवाद जो है वो सामने आया। JKPSI एस्पिरेंट्स की बात करें तो आज जब जम्मू में भारी तादाद के अंदर वो पहुंचे तभी उन्हें एकदम से कहा गया कि अब यहाँ से हट जाएं, यहाँ पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वहीं जब सारे लोग जो हैं, सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो सड़क पर उतरते हैं, अपनी डिमांड्स जो है वो रखने की कोशिश करते हैं, तभी पुलिस बल जो है वहां पर जो तैनात किया गया था उन्हें रोकने के लिए, उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए, वो एकदम से उनके सामने आता है और उनकी गिरफ्तारियों का दौर शुरू होता है। हालांकि इसी बीच जो है पुलिस और JKPSI के एस्पिरेंट्स जो है वो आपस में भिड़ भी जाते हैं, धक्का मुक्की भी इनके बीच में हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एस्पिरेंट्स जो है अपने साथियों को बचाने के लिए बस के आगे लेटने का प्रयास करते हैं, बस को रोकने का प्रयास करते हैं। इसी बस के अंदर JKPSI एस्पिरेंट्स के जो साथी थे उन्हें गिरफ्तार कर जो था इस बस के अंदर रखा गया था, पुलिस इन्हें जबरन यहां से लेकर जा रही थी। लेकिन उसी बीच ये लोग सामने आते हैं, पहले इनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो था वो चल रहा था तभी ब्रिज के नीचे, वही एक ये लोग सड़क पर आते हैं, उसी बीच पुलिस इन्हें वहां से हटाने का प्रयास करती है, तब उसी बीच झड़प भी होती है और धक्का मुक्की भी होती है। लेकिन सवाल ये है कि JKPSI एस्पिरेंट्स जो है कई सालों से जब वो मेहनत करते हैं और अपनी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, उसी बीच जब इस तरीके के स्कैम्स सामने आते हैं, जब ये सामने आता है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस कंपनी को वो टेंडर देती है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है कई बार, और जम्मू के अंदर नहीं बल्कि लद्दाख के अंदर भी वो कंपनी जो है स्कैम कर चुकी है, वहां पर भी घोटाला सामने आया। और इस तरीके से जब बच्चों के मन में संदेह होता है, शको शोभा पैदा होती है, उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब तक चुप्पी साधे हुए है। तो JKPSI की बात करें, जम्मू कश्मीर का यूथ इस समय परेशान है, उसे चाहिए कि फेयर ट्रांसपेरेंट जो है एक जॉब रिक्रूटमेंट जो है वो हो, जिसमें उन्हें जॉब मिले, उनके माता पिता के और उनके सपने साकार हों। दूसरी तरफ जब वो सड़क पर उतर कर मीडिया के सामने अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, उसी बीच इस तरीके की तस्वीरें सामने आती, यहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है, जब उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया जाता है। इधर उरा के साथ शुभ लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय। अभी अभी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उनको गाड़ियों में भर के लेके जाया गया है। यहाँ पे हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम चार चार सालों से जो है मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, पर ये चोर एपटेक को टेंडर देते हैं। पहले जिसको टेंडर दिया गया मेरिटेक, उसने भी धांधली की, अभी जिससे एपटेक को दिया गया वो भी धांधली कर रही है, और ये 16 तारीख को फिर से पेपर करवाने जा रहे हैं उसी कंपनी से। हम चाहते हैं हमें हमारा इंसाफ होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो बार बार JKPSI क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर देता है, हमें इंसाफ चाहिए। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।